रेड करेंगे जो कि बनाने में एकदम ही सिंपल है। इन पकौड़ों को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 2 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। तो इस बेसन को पहला आप एक मिक्सिंग बोल करने ट्रांसफर कर लीजिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितनी हल्दी ताकि इस पकौड़े के अंदर बहुत ही बढ़िया सा कलर आ पाए। फिर तीखेपन के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब ये मैंने 1 छोटी चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल किया है और अजवाइन को हम इसमें क्रश करके ऐड करेंगे। अब बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है। फिर हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसका हमें गाढ़ा सा बैटर बनाकर रेडी करेंगे। लेकिन शुरुआत में हम काफ़ी सारा पानी ऐड नहीं करेंगे वरना इसमें लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ सकती है। तो स्टार्टिंग में आप एकदम ही कम पानी का इस्तेमाल करिएगा और फिर इसको एक बार अच्छे से फेंट लीजिए ताकि इसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे लम्स रह गए हो तो वो भी निकल जाए। जब एक बार ये बैटर पूरी तरीके से स्मूथ हो जाए और इसमें सारे लम्स निकल जाए उसी के बाद आपको इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना है और इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर रेडी करना है। चले जब तक ये बैटर बनकर रेडी हो रहा है तब तक आप मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। एक बार आप इस तरीके से कढ़ी पकौड़ा ज़रूर बना कर देखेगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आएगा और आपके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और उसके बाद आप हमेशा इसी तरीके से कढ़ी पकौड़ा बनाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इस बैटर के अंदर हम ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। फिर तीखेपन के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरे मिर्च। अगर आप इसमें हरे मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहते आप इसे स्किप कर सकते हो। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया और बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स कर लेना है। आज तो हम ये कढ़ी पकौड़ा बना रहे हैं लेकिन आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लेकर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज़ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। चलिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी जितना बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच जितना गरम तेल। इसमें हमने गरम तेल का इस्तेमाल इसलिए किया हुआ है ताकि जो पकौड़ा है वो अंदर से ड्राई ना लगे। अब बस इन सारी चीज़ों को हम फटाफट से एक बार मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पकौड़ा बनाने का जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है। साइड पर मैंने यहाँ पर तेल को गरम करने के लिए रख दिया था और जब तेल मीडियम गरम हो जाए उसी के बाद हम इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पकौड़ों को मीडियम गर्म तेल में ही फ्राई करिएगा। अगर देखो तेल बहुत ही ठंडा होगा तो पकौड़े काफ़ी ऑयली बनेंगे और अगर तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो पकौड़े फटाफट से ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए जब तेल मीडियम गर्म हो तभी आप इनको फ्राई करें और इनको आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन और हल्के से क्रिस्पी नहीं हो जाते और इनको अच्छे से फ्राई होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग सकती है। आज तो हम इन पकौड़ों को फ्राई करके बना रहे हैं लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि पकौड़ों को बिना फ्राई किए कैसे बनाया जाता है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो पकौड़े हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं और अब मैं आपको उसको तोड़ कर भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस पकौड़े के अंदर काफ़ी सारी जाली बनी हुई है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये पकौड़ा काफ़ी सॉफ्ट बना हुआ है। चलिए इन पकौड़ों को हम रखते हैं साइड पर और फटाफट से हम कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी को बनाने के लिए एक बोल में आपको लेना है 1 कप दही। दही के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बड़ी चम्मच इतना बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। बेसन का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो कढ़ी है वो फटेगी नहीं और तो और जो कढ़ी है वो काफ़ी गाढ़ी बनेगी। अब इसमें कलर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी फिलहाल आपको यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, पहले आप इसे एक बार ऐसे ही फेंट लीजिए ताकि जो दही है वो एकदम ही स्मूथ हो जाए। जब ये एक बार पूरी तरीके से स्मूथ हो जाए उसी के बाद हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 कप जितने पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। पानी डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। चलिए जो दही वाला पानी है इसको हम फिलहाल साइड पर रखेंगे और अब हम यहाँ पर एक मसाले की पेस्ट रेडी करेंगे। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें इसकी एक पेस्ट बनाकर रेडी करनी है। हमने यहाँ पर इस तरीके की मसाले की पेस्ट इसलिए बनाई हुई है ताकि ये जो मसाले है ये जल ना जाए। चलिए ये जो मसाले की पेस्ट है रेडी हो चुकी है, तब एक कढ़ाई में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना यानी कि फेनोग्रीक सीड्स। फिर ये मैंने बाद से जब करी ली यानी कि कड़ी पत्तों का इस्तेमाल किया हुआ है जिसको हम इसमें तोड़ कर ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 सूखे लाल मिर्च
और इनको हम कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। फिर जो मसाले की पेस्ट हमने बनाकर रेडी की हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इस समय पर आपकी जो गैस की फ्लेम है वो स्लो पर होनी चाहिए। और फिर हमें इन मसालों को स्लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर हो चला जाए। चलिए मसाले अच्छे को खोज के है तो अब जो दही वाला पानी था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जब आप इसमें ये पानी को ऐड कर रहे हो तो ध्यान रहे कि जो गैस की फ्लेम है वो स्लो पर होनी चाहिए, वरना ये जो दही है ये फट जाएगा। अब आपको इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक इस पर उबाल नहीं आ जाता। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसको लगातार चलाते भी जाना पड़ेगा ताकि दही फटे नहीं। अभी फिलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो कढ़ी है ये काफ़ी पतली है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस कढ़ी में काफ़ी अच्छे उबाल आ चुका है, तो अब इस कढ़ी को ढक कर हम इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो कढ़ी है ये पहले से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इससे ज़्यादा इस कढ़ी को आप गाढ़ा मत करिएगा क्योंकि जब ये ठंडी होगी ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब ज़रूरत के अनुसार मैं इसमें थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान रहे कि हमने कढ़ी में पहले भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ था और पकौड़े के अंदर भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है, तो इस समय पर बहुत सारा नमक का इस्तेमाल ना करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट। इस पेस्ट का हमने आखिर में इस्तेमाल इसलिए किया था कि जो दही है वो फटे नहीं और इस पेस्ट का जो फ्लेवर है वो एकदम ही फ्रेश रहे। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब जो पकौड़े हमने फ्राई करके रेडी किए हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने थोड़े से पकौड़े साइड पर बचा कर रखे हुए हैं जो कि ऐसे ही अकेले अकेले खाने में मज़ा आता है। अब इसको ढक कर हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो पकौड़े हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाए और जो कढ़ी का फ्लेवर है उन पकौड़ों के अंदर आ जाए। चलिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है और ये जो पकौड़े हैं ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुके हैं। चलिए जो कढ़ी है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके लिए हम एक बहुत ही बढ़िया सा तड़का रेडी करेंगे। इस तड़के को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक पैन में 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल लेना है। आप चाहो तो तेल की जगह पर घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राई, और इस राई को हम अच्छे से चटकने देंगे। राई जब चटकना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। जीरा भी चटक जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरे मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एसोफोटिडा और 2 सूखे लाल मिर्च। यहाँ पर अगर आप लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि कढ़ी के अंदर हमने पहले ही लाल मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। अब बस हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे और फिर गैस को बंद कर लीजिए। और गैस को बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया ताकि इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आ सके। इस लाल मिर्च पाउडर को आप एकदम ही आखिर में इस्तेमाल करिएगा ताकि वो जले नहीं और उसका जो रंग वो काला ना पड़ जाए। और फिर फटाफट से हम इस तड़के को इस कढ़ी के अंदर ऐड करेंगे। अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, ये हमारा एकदम ही ज़बरदस्त कढ़ी पकौड़ा बनकर रेडी हो चुका है। बनाने में एकदम ही सिंपल था और खाने में एकदम ही टेस्टी बना हुआ है।